देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस संकल्पित है कि एक सुरक्षित कुंभ की हम व्यवस्था करें और इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं, न केवल जनशक्ति की बल्कि जितने भी हमारी तकनीकी सेवाएं हैं उस सबों को हम इसमें कर रहे हैं। और जैसा कि मुख्य सचिव ने कहा, ये एक प्रकार का डिफरेंट कुंभ होने जा रहा है जिसमें सारी व्यवस्थाएँ एक नए आकार और नए आयाम के साथ होंगी। हमने डिजिटल कुंभ की परिकल्पना की है, हमने टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यहाँ इंडक्शन किया है, चाहे वो टेरर अटैक से संबंधित हो, चाहे डिज़ास्टर मैनेजमेंट से हो, चाहे सामान्य जनता की जो प्रक्रिया है उसमें हो। हमारी जितनी भी मैन पावर है उन सबों का प्रशिक्षित किया जा रहा है, सॉफ्ट स्किल्स पे प्रशिक्षित किया जा रहा है, प्रोफेशनल दक्षता में उनको किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम पूरी चुनौती के साथ इस तैयारी से जुटे हैं कि इस कुंभ को हम सुरक्षित कुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की तरह रखेंगे। और देखिए, कोई भी इनपुट होगा वो आपके साथ अभी शेयर नहीं किया जाएगा। हम लोगों के इंटेलिजेंस इनपुट हमेशा आते रहते हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो ATS हो, STF हो या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो। हम गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सभी से संपर्क में हैं और जैसे जैसे कुछ बात होती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी तक कोई विशेष इनपुट नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह प्रतिबद्धता रखे हैं कि इसको हम एक सुरक्षित कुंभ के रूप में इसका आयोजन कराएंगे। विदेशी बहुत आ रहे हैं इस बार। विदेशी हमेशा से आते रहे हैं और इस बार भी आएंगे और हम उनका स्वागत करते हैं। ये पर्व ऐसा है जिसपे कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता है, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि विदेशी और देशी सभी नागरिक आते हैं और बहुत श्रद्धा से यहाँ आकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं और हम उन्हें एक अतिथि देवो भव की तरह ट्रीट करते हैं। सो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हर एक भारत के हर एक नागरिक के लिए सौभाग्य की बात है कि वो कुंभ में आ रहा है, स्नान कर रहा है और इस तपोवन का एक अभिप्राय बन रहा है, एक साक्षी बन रहा है। एक सवाल बहुत उठा है आम श्रद्धालु के बीच में कि बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चक्कर में कहीं ऐसा तो ना हो कि बहुत उसको परेशान होना पड़े, दूर पैदल चलना पड़े तब जाके गंगा में स्नान। देखिए, सुरक्षा का ख्याल हर एक कुंभ में रखा गया है और हम लोगों ने इस बार सुरक्षा के साथ साथ सुविधा का भी एहसास दिलाया है। यही कारण है कि जितने भी हमारे पार्किंग स्थल बने हैं उनको हम सैटेलाइट सिटी की तरह डेवलप किए हैं, वहाँ पे उनको तमाम सुविधाएं मिली जाएंगी जो पहले किसी कुंभ में नहीं होता था। तो हमने सुरक्षित के साथ साथ सुविधा का भी ख्याल रखा है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप स्वयं इसे देखेंगे।